नमस्कार, प्रणाम। आप सबका बेटा, आप सबका भाई, आप सबका चहेता, आप सबका भक्त, क्योंकि आप सब मेरे लिए भगवान हैं। और कभी कभी कुछ अच्छा करता हूँ तो भगवान से मिलने का मन करता है, तो कि आप लोग सराहते हैं और हमारी हौसला बुलंद होती है। तो मैं आज मेहंदी, आज कितने दिन से मेहंदी 3 के शूट पे हूँ, और एक मेरा देवी गीत रिलीज हुआ है कल लोटस म्यूजिक से। और मैंने पहली बार नहीं, कई बार गाया है, लेकिन इस बार फुल परंपरी के गाना गाया है मैंने। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि जब अच्छे गानों को आप प्यार देंगे तो हर कंपनी भी अच्छा गाना गवाने का काम करेगी। वो गाना है जय शेरावाली, कैसेट का नाम है वो, उस गाने का टाइटल है जय शेरावाली। लोटस म्यूजिक से है, हमारे राहुल भाई जी की, गाना लिखा हुआ पवन पांडे, हमारा बड़े भाई है वो, और एक ब्राह्मण कुल के आदमी है, तो पैर छू के हमेशा प्रणाम करता हूँ। पिंटू बाबू सबको प्रणाम, पवन सिंह लभी, पवन भैया के फैन है ये, हमारे बड़े भाई पवन भैया के फैन है, लभी, हम सब भाई हैं। पिंटू बाबू, पवन सिंह, लभी लभी पिंटू भाई, राजकुमार शाह, लभी बेटा, और चंदन बाबू भाई बना लखनऊ भभुआ के रहने वाले हैं, चंदन बाबू हमारे राइटर, आप लोगों ने गाना इनका सुना होगा, लिखा हुआ बड़ा अच्छा लिखता है भाई मेरा, चंदन बाबू नाम है। और ये बहुत एक कि कहुआ उड़ खरा उड़ मरदा रहता हमसे दूर, एक बहुत अच्छा गाना इन्होंने लिखा था, चैत में भी मेरे लिए गाना लिखा था इन्होंने। तो वो गाना है, हरी सोने के पटरिया के नहिल बहो, निमिये पझुलुआ टंगाइल बहो, तू आई के अलख जगावो। हमारे यहाँ माता बहन बेटी गाती है कि कवना बने बाड़ुए कोइला रा मैया के जा गावो, निंदिया से मातल भवानी हाली से उठावो। मेरा गाना गाया हुआ बहुत कम ऐसा गाना है जो मैं खुद बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, लेकिन ये ऐसा गाना है कि 200 बार तो मैं खुद ही सुन चुका हूँ, बड़ा प्यारा। और हमारे माता बहन बेटी इसको हर शादी में गाती है कि कवना बने रहेलुए कोइला रा कवना बने जास, के करा दुअरिया ए कोइला उछाला जास। तो बड़ा अच्छा, राजकुमार शाह, दिल्ली, लभी भाई, रजनीश यादव, सबको प्रणाम। तो अच्छे गाने को प्रमोट आप करेंगे, प्यार देंगे, तो शायद हर आदमी अच्छा गाने गाने की कोशिश करेगा। एक बहुत पारंपरिक गाना मैंने गाया है, तो इसको ढेर सारा प्यार करिए, शेयर करिए, लोटस म्यूजिक को भी सब्सक्राइब करिए, और प्यार दीजिए हमारे राहुल भाई को, पवन पांडे जी को, और इसका म्यूजिक हमारा भाई जो कि हमारे गाँव के बगल के ही हैं, कोपा के रहने वाले हैं, छपरा जिला में पड़ता है, हमारा शंकर सिंह, हमारा छोटा भाई अप्पू, सब ने बड़ा प्यार दिया है इसको। लोटस के जो मालिक हमारे राहुल जी हैं, सब ने बहुत प्यार, और हमारे पवन बाबा का तो जवाब ही नहीं है, जो अभी तत्काल ही उनका लिखा हुआ 300 गाना, जो कि भोजपुरी का पहला ऐसा सॉन्ग है, अगर उसको 3-4 चैनल जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है वो 600 मिलियन हो गया है, लेकिन एक चैनल पे वो 300 मिलियन हुआ है, उसका सबसे बड़ा खुशी है। तो इसके लिए आप सबको दिल से प्रणाम कि आप लोग उस गाने को बड़ा प्यार दे रहे हैं, और ऐसे ही प्यार दीजिए अच्छे गानों के लिए। तो दिल से थैंक यू। नहीं निशान जी, मैं अपने कैसेट का प्रचार कर रहा हूँ, आप क्यों भड़क रहे हैं? कहाँ भड़क रहा हूँ, घबराइए मत, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और हाँ, अब आ गए तो याद आ गया, एक मार्केबुल बात है, एक परिवार को मैं मर्द नजर नहीं आता हूँ, और कौन सा परिवार है आपको भी पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि वो कौन सा परिवार है जिसको मैं मर्द नजर नहीं आता हूँ, ये बताइए कहाँ से मर्द नहीं हो। मास्टर जी इसको थोड़ा सा बैक करिए, बैक करिए, कहां से मेरे मर्द नजर नहीं आ रहा हूं बताइए मुझे। उस परिवार को मर्दानगी साबित करने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। दूसरा कि आप वीडियो बना के भेजिएगा, इंडस्ट्री के ही वो हैं, आपको भी पता होगा, मुझे किसी की नाम लेने की क्या जरूरत है, मैं क्यों लूं किसी का नाम, नाम लेकर हाईलाइट करने का मतलब नहीं है ना। लेकिन आप लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, कुछ लोगों को पता है, क्योंकि उन लोगों को कितने लोग जानते ही हैं, बस थोड़ा बहुत 2-4-5 सौ लोग जानते हैं। तो
जो नहीं जानते हैं उनको, जो जानते हैं वो वीडियो बनाकर शेयर कर दीजिएगा आप लोग फेसबुक पे, कि उनको मर्दानगी साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं अब देखिए, ये है, ये चेस्ट है, ये बाइसेप है, बकायदे ये देखिए, ये बैक है। वो मेरे प्रोड्यूसर को फ़ोन करते हैं मेहदी थ्री के कि वो छक्का है, डायरेक्टर को फ़ोन करते हैं कि वो छक्का है, तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि उनके परिवार वालों को समझ में आ जाए कि मैं मर्द हूँ, मुझे प्लीज़ आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। और मेरे ऊपर जितना भी विवाद होता है आप जान लीजिए कि उसी परिवार का देन होता है, और उनका उनका एक है, उनके ही परिवार का बड़ा वाला तो है ही उस टाइप के, वो तो बात भी करते हैं तो बहुत अच्छा करता है तुरे, बहुत अच्छा से बात करते हैं वो इस टाइप के। ये बताइए कि इस धरती पे हम एक पृथ्वी एक स्टेज है और हर आदमी नाचता है अपने पेट के लिए। बच्चन साहब ने अपने सिनेमा में साड़ी पहना तो क्या वो मर्द नहीं है? गोविंदा जी ने पहना, क्या वो मर्द नहीं है? कमल हसन ने पहना, क्या वो मर्द नहीं है? और यहाँ तक कि वो भी पहने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं पहने। मैं भी अपने काम के लिए, अगर मैं इंटरटेन के लिए, इस जनता जो मेरी भगवान है, इस भगवान के लिए, अगर मैं मनोरंजन के लिए इनके दिल में एक जगह बनाने के लिए मैंने अगर साड़ी पहन ही लिया तो मैं कौन सा गुनाह कर दिया यार? आप मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फ़ोन करके कहते हो कि वो छक्का है, आपका अपना आदमी, आपका अपना जो है, जो बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है, वो बोलता है कि मिल जाएगा तो मैं पटक पटक के मारूंगा। बताइए, मारने के लिए ताकत चाहिए बेटा? बच्चा है तू, अभी गोद में खेलता है तू, मारने के लिए ताकत चाहिए? हाथ पकड़ लूँगा ना तो छुड़ाने के लिए पूरी खानदान लग जाएगी, छूट नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, प्यार करिए। और ये हमारी जनता जो है सबका इंसाफ करती है, उनके दिमाग में ये भी है कि मेरा इस साल में पहला ही एक ही फिल्म रिलीज हुआ, वो कहीं बोले हैं तो एक ही फिल्म रिलीज हुआ है। तो मैं ये बताइए कि आमिर खान जी एक ही सिनेमा करते हैं लेकिन हिट देते हैं, अभी तक का जनवरी से लेकर अभी तक का सबसे बड़ा हिट अगर देखा जाए तो निशांत जी ने, हमारे जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने खुद बताया कि भैया इस साल की सबसे बड़ी हिट आपकी ये सिनेमा है, कुल्ली नंबर वन। तो मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर की ही समझूंगा ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर, जबकि वो कमीशन पर रिलीज होती है, उसमें इंसान को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने बोला कि इस साल की नहीं, अभी तो बाकी है, बहुत सारी सिनेमा रिलीज होगी, अभी तक का जितना रिलीज हुआ है सबसे ऊपर आपका सिनेमा गया है भैया। तो मैं एक ही रिलीज हुआ सिनेमा, बहुत मैं चुनिंदा काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा खाने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने जनता को अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ। चुनिंदा सिनेमा वो एक माँ बाप के ऊपर, अनाथ लोगों के ऊपर था, अनाथ विधा आश्रम में जो रहते उनके ऊपर मैंने सिनेमा बना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भोजपुरी को सुधारने का काम किया जाए, जैसे मैंने गाना गया आप लोगों के बीच में अभी जो मेरा कल रिलीज हुआ है लोटस म्यूजिक से, कि कवना बने बाड़ू में कोई लरा मैया के जा गावा हो। तो ये गाना इतने लोगों ने, कई सारे IPS अफसरों का मेरे पास कॉल आया कि खेसारी जी ये गाना भोजपुरी का एक ऐसा गाना है जो हर घर में बजने वाला है, ऐसा ही आप लोग आइए। लोटस म्यूजिक को हर आदमी धन्यवाद दे रहा है। तो मैं सबसे बड़ी कि आप सबसे, और आप जो फ़ोन करके मेरे मेहदी थ्री के प्रोड्यूसर को फ़ोन करके गाली गलौज कर रहे हो, मेहदी के डायरेक्टर को फ़ोन करके गाली गलौज कर रहे हो, बड़े वाले आपको, आनंद जी हमारे भाई हैं उनको भी आपने फ़ोन करके गाली गलौज किया, तो ये गलत है ना। मेरी माँ आपकी भी माँ है, तो आपके संस्कार झलकते हैं, अपने संस्कार में रहा करिए। मुझे गाली दे देने से, मैं जानता हूँ कि मेरी जनता मेरे लिए भगवान है, अगर ये कभी गाली देती है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं गलत करता हूँ तो ये मेरे लिए गाली देती है। और हम सब एक हैं, इंडस्ट्री अपना परिवार की तरह है, तो परिवार में परिवार की तरह रहा करिए, गाली गलौज। और जहाँ तक आपका जो आपके नीचे वाला है वो बोल रहा है जी मिल जाएगा तो मैं मारूंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर मैं पकड़ लूंगा ना तो पूरी खानदान लग जाएगी छुड़ाने में हाथ, और तुम बोल रहे हो मारने के लिए, लेकिन मैं, ये अहंकार नहीं है, ये पावर दिया हुआ जो है ना, ये पावर दिया हुआ हमारे जनता, हमारे स्वरूप भगवान का है, ये भगवान के पावर से बोल रहा हूँ, ये हमारे लिए ईश्वर है, हमारी जान है। और मेहदी वन बहुत बड़ी हिट थी, और मेहदी थ्री के भी सेट पे आज हम लोग, इतने प्यार मिल रहा है निशांत उज्ज्वल जी से, अभी भैया से, रजनीश मिश्रा जी का एक जो जोड़ी है, एक नई एक्ट्रेस है जो कमाल की एक्ट्रेस है, कमाल खूबसूरती है,
तो मैं ईश्वर से प्रार्थना, मैं अच्छी सिनेमा कर रहा हूँ इसलिए मैं कम सिनेमा कर रहा हूँ। शायद आपको अंदाजा नहीं होगा, आप अपने करियर में उतना सिनेमा नहीं किए होंगे, डायरेक्ट नहीं किए होंगे, जितना मैं 7 साल में 70 फिल्में किया हूँ, उसका भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छी सिनेमा का हिस्सा बनूँ, कम करूँगा। अब पैसे की जरूरत नहीं है मुझे, अब तो मैं पब्लिक का प्यार पाना चाहता हूँ। मेरे से जो अपेक्षा लोग करते हैं कि मैं अच्छा काम करूँ, वो कोशिश कर रहा हूँ। आप घूम घूम बोल रहे हैं कि एक ही सिनेमा रिलीज हो, तो क्या हुआ, आपका 50 सिनेमा रिलीज हुआ, सारे के सारे फ्लॉप हो गए। अभी फिलहाल में हुआ था, वो भी फ्लॉप हो गई। क्यों, मैं भी फ्लॉप दिया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सब सुपर हिट दिया हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आए अच्छी सिनेमा बने, ताकि हमारे भोजपुरी का जो श्रोता है वो कटे नहीं, वो जुड़े, कोशिश हमारी है। और सबसे बड़ी, आप ये छक्का कहने वाली बात हर जगह बंद करिए और माँ बहन की गाली बंद करिए आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो आपको पता है कि मैं क्या हूँ, और मैं ये जवाब नहीं दूंगा। आप लोग वीडियो बना के फेसबुक पे कल से शुरू कर देंगे, आपको जवाब दे देंगे। और वो कौन सा परिवार है, पब्लिक को पता है कि वो कौन सा परिवार है जो मेरे पीछे पड़ा रहता है। और दुनिया में जितनी भी गालियाँ मुझे मिलती है, इस परिवार की वजह से मिलती है। और यही परिवार हर आदमी को बोलता है कि खेसारी को गाली दो, खेसारी को ये बोल दो, खेसारी को वो बोल दो। खेसारी एक गरीब बच्चा है, मैं बड़ा गरीबी देखा हूँ, मैं किसी बड़े औलाद, बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ। मेरे पापा चाना बेचने वाले थे। आपको सुई की तरह मैं क्यों चुभता हूँ, पूरी इंडस्ट्री पे मैं बेटे की तरह गोद में खेलता हूँ। एक इंडस्ट्री में आदमी नहीं है जो खेसारी की बुराई कर दे, क्योंकि मैंने आज तक किसी को बिगाड़ा नहीं। मैं मेहनत करता हूँ, 24 घंटा काम करता हूँ, 24 घंटे में 22 घंटे, 23 घंटे, 72 घंटे में काम करता हूँ। अगर पूछना है तो पूरी इंडस्ट्री में कोई पूछ ले, और कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर अगर मुझे बोल देगा कि खेसारी कभी लेट आता है, खेसारी की वजह से सिनेमा का बजट बढ़ जाता है, तो मैं उस दिन से काम करना बंद कर दूंगा। हाँ, लोग ये बात बोल देंगे जिनसे मेरी दुश्मनी है, जिनसे मेरे जो मुझे लाइक नहीं करते हैं, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे बोल देंगे, जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, मैं मना करता हूँ कि ये सिनेमा नहीं करना है, वो मेरे बारे में बोल देंगे, क्योंकि मैं उनके साथ काम नहीं करता। जिनके साथ मैंने रेगुलर काम किया है उनसे पूछ लीजिए, और कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं है जिसके साथ मैंने 5 सिनेमा नहीं बनाया है। अगर मैं गलत होता तो 5 सिनेमा मेरे साथ नहीं बनाता। तो प्लीज, और मारने वाली जहाँ तक बात है, लवी आला भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे सामने आकर मुझे मारने का काम करें, मैं आपका सम्मान करूँगा। और कहाँ से मैं नजर आता हूँ, मैं पब्लिक से जानना चाहता हूँ कि उनको वीडियो बना के आप लोग भेजिए और बताइए कि खेसारी मर्द कहाँ से नजर नहीं आ रहा। आप बताइए कहाँ से मर्द नहीं हूँ मैं, अब मुझे क्या क्या दिखाना पड़ेगा उनको, जिससे उनको समझ में आ जाए कि मैं मर्द हूँ। लव यू। और जो मेरा देवी गीत रिलीज हुआ है उसको ढेर सारा प्यार दीजिए, और पारंपरिक है तो इसलिए दिल से थैंक यू। और हमारे मेहदी 3 के शेर, मेहदी 1 के शेर, ये मेहदी 1 रजनीश भैया, मेहदी 1 और मेहदी 3 का शेर देखिए, ईश्वर ने भाई को बनाया है, फुर्सत से बनाया है, फालतू काम फुर्सत में ही होते हैं। नहीं नहीं, ये मेरे भाई हैं निशांत उज्वल जी, ये हमारे मेहदी 3 के डायरेक्टर, मेहदी 1 के डायरेक्टर। एक मिनट फ्रंट ले लेता हूँ इधर। ओके, तो थैंक यू, दिल से थैंक यू। और आप हैं एक सुपरस्टार हैं, और आप इतने योग्य और इतने अच्छे, आज भोजपुरी का इतना अच्छा हो रहा है। वैसे भोजपुरी बड़ी नाजुक दौर से गुजर रही है, भोजपुरी फिल्में, उसमें भी आप लोग का सहयोग और आप लोगों के परिश्रम से जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, सारे भाइयों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है सब कुछ का। और आप कलाकार हैं और एक भोजपुरी के महान कलाकार हैं, और हमारी सारी आपने बनाया है ना भैया। मैं भी पहले गलत फिल्में करता था, नो डाउट, मैं मेहदी के बाद मैंने सिनेमा कम कर दी। बहुत अच्छी, हम लोगों ने इतनी उम्मीदें पाल रखी है कि मैंने मेहदी के बाद सिनेमा का चुनाव करने लगा मैं कोशिश। और ये लोग बोलते हैं वो परिवार, एक परिवार ऐसा है जो बोलता है, क्यों बोलेगा, मुझे मेरे कहने का मतलब कि मैं बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरी माँ बहन की गाली कोई क्यों देगा, कोई नहीं देगा। मैं अनंजय के, अनंजय सिंह, अनंजय रघुराज के मोबाइल पे, निशांत उज्वल के मोबाइल पे गाली दिया गया है कि नहीं, नहीं नहीं, ऐसा प्यार है वो, कोई गाली, चले लव यू ऑल। आपने जो बोला था, आपने बोला था उनको बुरा लगा, आपने फनी अंदाज में बोला तो उनको बुरा लगा, वो भी बहुत मानते हैं आपको, बहुत प्रेम करते हैं, मेरी बहुत बात है, बहुत प्रेम करते हैं। और उन्होंने आपके जीवन में नागिन जैसी बड़ी हिट फिल्म दी है, और आपके जीवन के, अरे उनके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ बस है आप, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ उनके बारे में, वो तो महान है, उनको कैसे बोल सकता हूँ, किसी के बारे में चर्चा मत करिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू, लव यू ऑल।